हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एमएलटी पर। आज की अपनी ये सेकंड मैराथन क्लास रहेगी। इसके अंदर हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो कि अपने मैराथन फर्स्ट में रह गए थे, अनटच्ड टॉपिक जो थे, और आने वाले एग्जाम में या जैसे कि कल एचएसएससी सीईटी मेंस का एग्जाम है तो वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक आप यहाँ पे कवर करेंगे वो सारे के सारे कल वाले एग्जाम के सिलेबस में आने वाले, ठीक है। बाकी दूसरे जो एग्जाम रहेंगे वहां भी ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज ऑल दिस टॉपिक आर कॉमन फॉर ऑल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो करें स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, एनाटॉमी वाली वीडियो में भी हमने नहीं किया था, तो थोड़ा सा भी देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एंड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, कौन सी सेल है जो एंड्रोजन को प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया, लेडिंग सेल या फिर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। तो एंड्रोजन को सिक्रेट करने वाली सेल जो रहेगी वो रहेगी लेडिंग सेल, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है इंटरस्टीशियल सेल। क्या नाम दिया जाता है? इंटरस्टीशियल सेल का नाम भी दिया जाता है। सर्टोली सेल का जो फंक्शन रहेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी किसको? ग्रोविंग स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है। ग्रोविंग स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल्स जो रहेंगी, स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं, उनको क्या करेगी? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? जर्म सेल होती है भाई, मेल के केस में जर्म सेल जो होती है उसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करने का काम करता है, जो कि स्टिमुलेट भी कर सकते हैं दूसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को और इनहिबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि ह्यूमन के केस में जो टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम करते क्या है? ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कितना लो? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो हमारी बॉडी और स्क्रोटम के टेम्परेचर में रहेगा। ये कम क्यों रखते हैं टेम्परेचर को? क्योंकि नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस जो चलती है उसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। उसके बाद बताया गया है जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उसके अंदर फिर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कहां पर बनते हैं, तो आंसर रहेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। मेल जर्म सेल जो है उसका क्या नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है, अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद जो अपने पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके पास सर्टोली सेल भी होती है जो कि प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाएगा? सर्टोली सेल प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद जो इंटरस्टीशियल सेल या फिर लेडिंग सेल है, इनका क्या काम है? ये सिंथेसाइज करेगी एंड्रोजन को और उसको रिलीज करने का काम करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्टिस के बारे में। उसके बाद जो मेल असेसरी ग्लैंड्स है, यानी कि जो अपना सिक्रीशन छोड़ती हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, वो क्या क्या है? सबसे पहली है पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, यानी कि दो तो सेमिनल वेसिकल रहेंगे, सेमिनल वेसिकल। एक अपने पास प्रोस्टेट रहेगी और दो कौन सी रहेगी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहेगी, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए इनमें से पेयर्ड कौन सी नहीं है, तो प्रोस्टेट पेयर्ड नहीं है, अकेली है, बाकी दो दो है, ठीक है दोनों। उसके साथ साथ बताया गया कि ये जो ग्लैंड सिक्रीट करेंगी, ये जो ग्लैंड सिक्रीट करेगी जो फ्लूड निकलेगा उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। यानी कि सेमिनल प्लाज्मा को बनाने का काम कौन करता है? इन्हीं ग्लैंड का सिक्रीशन करता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कौन सी शुगर प्रेडोमिनेंटली पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है। तो सेमिनल प्लाज्मा जो है वो फ्रक्टोज में रिच होता है, उसके साथ साथ कैल्शियम और कुछ एक एंजाइम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। यहां पर बताया गया कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसका जो सिक्रीशन रहेगा वो पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है फिर से, स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय, अभी हमने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनेंगे, तो वहां से जब स्पर्म निकलेंगे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर इजेकुलेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा सिंथेसिस या प्रोडक्शन,
सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोवा, तो इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजोवा की जेनेसिस यानी कि बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। स्पर्मिएशन क्या रहेगा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म निकलेगा उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पर्मिएशन। अब आगे है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको पता चलेगा, एक होता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से जब अपना स्पर्मेटोजोवा बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इजैकुलेशन में भी स्पर्म रिलीज होंगे, इजैकुलेशन में भी रिलीज होंगे कौन, स्पर्म, लेकिन कहां से, पेनिस से, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इजैकुलेशन आपने कॉमनली सुन रखा होगा तो आप ये टिक करोगे इसको, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म निकलेगा उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन, पेनिस से जब स्पर्म या सीमन निकलेगा उसको बोलेंगे इजैकुलेशन, ठीक है। उसके बाद स्पर्म की स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो स्ट्रक्चर रहेगी स्पर्म की, सबसे पहला स्पर्म जो अपने पास अपनी ह्यूमन मेल बॉडी की इकलौती हैप्लोइड सेल है, ठीक है, यानी कि जर्म सेल ही हैप्लोइड होती है हमारे केस में। उसके बाद जो स्ट्रक्चर रहेगी स्पर्म की उसके चार पार्ट है, पहला हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। याद क्या रखना है, इसका हेड जो रहेगा, हेड के अंदर हैप्लोइड न्यूक्लियस है, पहली बात। इस न्यूक्लियस के आगे की तरफ एंटीरियर पोर्शन जो है वहां पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, और कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्रोजोम होता है, ठीक है, याद रखना है, हेड वाले पोर्शन में एक न्यूक्लियस होगा, एक एक्रोजोम होगा, एक्रोजोम जो हो एंटीरियरली मिलेगा, उसके आगे की तरफ मिलेगा। एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, इसके पास एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जब भी स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा वहां पर ये उसको हेल्प करेंगी, ठीक है, ओवम के चारों तरफ लेयर होती है उसको तोड़ने में हेल्प करती है जो एंजाइम यहां से रिलीज होंगे। उसके बाद दूसरा जो है मिडल पीस के बारे में याद रखना है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी यूज की जाएगी टेल के द्वारा, कहां पर, मूव करने के लिए, तो टारगेट तक पहुंचने के लिए यानी कि ओवम तक पहुंचने के लिए वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, चल के जाएंगे वहां तक, तो ये टेल हेल्प करेंगे, टेल को एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है मिडल पीस में, एम से मिडल पीस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो ह्यूमन मेल इजेकुलेट करेगा एक टाइम पे तो अबाउट 200 to 300 million स्पर्म एक टाइम में वो रिलीज करता है, ठीक है, ये काउंट याद रख लेना। उसके बाद नॉर्मली फर्टिलिटी कब होगी, मतलब कोई भी बंदा है वो नॉर्मली फर्टाइल कब होगा, जब एटलीस्ट 60% स्पर्म्स हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, मतलब कि 100% में से एटलीस्ट 60% जो है उनका साइज और शेप नॉर्मल होनी चाहिए, और इनमें से 40% जो है उनकी मोटिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, मोटिलिटी जो है उनकी अच्छी खासी होनी चाहिए, तब हम किसी पर्सन को फर्टाइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ये था अपने पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अब फीमेल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड एज, जो वेजाइना की ओपनिंग है ना उसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, सर्विक्स, हाइमन, क्लाइटोरिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका आंसर रहेगा हाइमन, ठीक है, हाइमन जो है ये अपने पास फीमेल के केस में क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है जो कि वजाइना को कवर करती है, ठीक है। क्लाइटोरिस को सूडोपेनिस बोला जाता है, क्लाइटोरिस को सूडोपेनिस का नाम भी दिया जाता है, क्यों, क्योंकि फीमेल के केस में ये क्या करता है, पेनिस की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहां पर होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर, इनर ईयर जो होता है वहां पर जो है ये पाई जाती है, ठीक है, और ये क्या करती है, अपने पास बैलेंस को बनाने के लिए, बैलेंस को जब बनाता अपना ईयर का फंक्शन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एक सेकंड, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये अपने पास कहां पर पाई जाती है, इनर मिडल ईयर,
और आउटर ईयर को सेपरेट करती है, ठीक है। इट सेपरेट आउटर ईयर फ्रॉम मिडल ईयर, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये आउटर और इनर ईयर को, मिडल ईयर को, सॉरी, मिडल और आउटर को सेपरेट करती है। इसका दूसरा नाम याद रखना है ईयर ड्रम, ईयर ड्रम इसी को बोला जाता है, कान का पर्दा, ठीक है। उसके बाद ये बीच में आ गया, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि एंडेमिक क्या है, इपिडेमिक क्या है और पेंडेमिक क्या है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो एंडेमिक जो होगा, एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब है एक ऐसी डिजीज जो कि हमेशा प्रेजेंट रहेगी किसी कम्युनिटी में, एक ऐसी डिजीज जो कि किसी कम्युनिटी में हमेशा प्रेजेंट रहेगी उसको एंडेमिक बोला जाएगा। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिलेटिवली लो रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। एकदम से अफरा तफरी नहीं मचेगी इसमें, जो डिजीज एक जगह पे है तो है। जैसे इंडिया के केस में ट्यूबरकुलोसिस एक एंडेमिक डिजीज है, ये मिलती है नॉर्मली, यहाँ पे है ही है, ठीक है। उसके बाद इपिडेमिक में क्या होगा, द सडन एंड रैपिड स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज, एकदम से कोई इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। क्या हो, एकदम से कोई डिजीज फैल जाए, इन्फेक्शियस डिजीज, और वो एक छोटे से टाइम पीरियड में कई सारी पॉपुलेशन को कवर करे, उसको बोलेंगे इपिडेमिक। अब पेंडेमिक क्या है, द फिनोमिना व्हेन एन इपिडेमिक बिकम्स वेरी वाइड स्प्रेड, यानी कि इपिडेमिक हमने पढ़ा कि एकदम से थोड़े से टाइम में काफी पॉपुलेशन को वो कवर कर ले, ऐसी डिजीज। लेकिन इपिडेमिक अगर वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे के पूरे संसार में एक ज्यादा एरिया में अगर वो फैल जाए तो उसको हम नाम देंगे पेंडेमिक, ठीक है। तो ये एंडेमिक क्या है, इपिडेमिक क्या है और पेंडेमिक क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंडेमिक ऐसी डिजीज है जो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मिलेगी और लो फ्रिक्वेंसी के साथ मिलेगी। एपिडेमिक क्या है, एक छोटे से स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड में कई सारी पॉपुलेशन को कवर करे, इपिडेमिक। लेकिन वो वर्ल्ड वाइड अगर बन जाए, इपिडेमिक व्हेन बिकम वर्ल्ड वाइड इट इज नोन एज पेंडेमिक्स, ठीक है। जैसे कोविड था तो पेंडेमिक में आएगा, कोविड-19, ठीक है। हाँ, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे थे। ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो दो होती है अपने पास, जैसे ये दो ओवरी होगी, ये ओवरी को और यूट्रस को जो जोड़ने का काम करती है, ये स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है। ये बीच में क्या है, ये अपने पास यूट्रस है, ये ओवरी है दोनों साइड। ये जो अपने पास ये डक्ट जो है कौन सी होती है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होती है, ठीक है। तो दो डक्ट होती है अपने पास फीमेल के केस में। इसकी लेंथ कितनी होती है, तो एक फेलोपियन ट्यूब जो है उसकी लेंथ रहेगी 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। ये एक्सटेंड कहां से कहां होती है, ओवरी से लेकर यूट्रस तक। यूट्रस को वोम्ब भी बोला जाता है, गर्भ बोला जाता है। जो फेलोपियन ट्यूब, उसके तीन पार्ट होते हैं मेनली, कौन कौन से। सबसे पहला इनफंडिबुलम, ठीक है, जो कि फनल शेप रहेगा, और ये कौन सा वाला पार्ट है, जो ओवेरी के पास में है, ये वाला। तो ओवेरी के पास वाला पार्ट जो है फनल शेप, उसको बोलेंगे इनफंडिबुलम, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, फिम्बरी होती है भाई, फिम्बरी, जो कि जैसे ओवेरी में क्या बनेगा, ओवम, ओवरी से ओवम जो बनेगा वो रिलीज किया जाएगा ओवेरी के बाद, और उसको कलेक्ट कौन करेगा, फिम्बरी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कलेक्ट करता है ओवम को, फिम्बरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीजन जो रहेगा फेलोपियन ट्यूब का, वो रहेगा एम्पुला, और तीसरा रहेगा इस्थमस। इस्थमस कहां पर होता है, जो यूट्रस के साथ वाला होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर, ठीक है। अगर जंक्शन ऑप्शन में नहीं है फिर आपको एम्पुला लगा देना है, ठीक है, यानी कि बीच वाले पोर्शन में होगा। एम्पुला अकेला ऑप्शन में मिले तो एम्पुला, लेकिन मेनली जो लिखा जाता है कि एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन रहेगा, जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम और स्पर्म जो वो मिलने का काम करते हैं, ठीक है। यूट्रस एक फीमेल के अंदर एक ही होता है, उसको वोम भी बोलते हैं। इसकी शेप कैसी होती है, इनवर्टेड पियर शेप होती है, ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की कैविटी जो रहेगी उसको सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है। उसके साथ साथ यूट्रस की वॉल आपको याद रखनी है, जो यूट्रस होता है फीमेल के केस में उसमें तीन लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर, तीन लेयर, जिसमें सबसे बाहर वाली जो रहेगी एक्सटर्नल, उसको बोला जाएगा पेरीमेट्रियम। मिडल वाली जो रहेगी वो थिक रहेगी और स्मूथ मसल्स की बनी होती है, मायोमेट्रियम इसको बोला जाता है, ठीक है। मायो, मायो मीन्स मसल्स, मायोमेट्रियम बीच वाली है, थिक होती है।
उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो रहेगी वो ग्लैंडुलर लेयर होती है, उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो तीन लेयर है, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलते हैं तब कौन सी लेयर के अंदर मेनली चेंज आते हैं, तो एंडोमेट्रियम के अंदर। किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस आते हैं और यही क्या करती है, यूट्रस को अंदर की तरफ से लाइन करने का काम करती है। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर जो लाइन करेगी उसको क्या बोलेंगे अपने पास, एंडोमेट्रियम। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस के दौरान यही अफेक्ट होती है, यही टूटती है, यही मेंसेस का रीजन होती है। ठीक है, उसके बाद मायोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाती है यूट्रस को। कब? जब डिलीवरी ऑफ बेबी होती है। ठीक है, तो बेबी की डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी वो कौन करवाएगी, मायोमेट्रियम करवाएगी, जो कि मसल्स की बनी होती है। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएनआरएच इज रिलीज्ड बाय, तो आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस। जीएनआरएच जो रहेगा वो फिर क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो कौन सिक्रीट करता है, याद रखना भाई GnRH, ये रहेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो सिक्रीट किया जाएगा ये हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। लेकिन गोनेडोट्रोपिन कौन रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, गोनेडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी। गोनेडोट्रोपिन्स कौन से हैं, LH और FSH, ये दोनों याद रखने। ठीक है, LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH की है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इनके फंक्शन याद रखने हैं, LH जो है वो लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा और एंड्रोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करेगा। तो एंड्रोजन, देखो इसको नाम से याद रख लेना, LH, L से LH और L से लेडिंग सेल, और लेडिंग सेल का फंक्शन हमने पढ़ा था एंड्रोजन को सिक्रीट करना। ठीक है, दूसरा अपने पास FSH, FSH में S है तो ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल के ऊपर जो कि नरिशमेंट का काम करेगी। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए एंड्रोजन का काम क्या है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिशन। जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो कैसे कैसे किस किस तरीके से फैल सकते हैं, हो सकता हो एबायोटिक इन्वायरमेंट के थ्रू फैले, हो सकता हो एनिमल वेक्टर के थ्रू फैले, हो सकता हो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर में हो सकता है हवा से फैलते हो, वाटर से फैलते हो। ठीक है, स्पोर की इनहेल करने से और वाटर अपने पास स्किन से डायरेक्ट एंट्री होने से। एनिमल वेक्टर में मॉस्किटो हो सकते हैं, कुछ एक फली हो सकती है अपने पास, कुछ एक कीट माइट वो सब कुछ आ जाता है इसमें, यानी कि एनिमल वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन में कौन सा डिजीज फैल सकता है ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो पैथोजन सर्वाइव बेस्ट इनसाइड द बॉडी, एग्जांपल है HIV, हर्पीज और इबोला। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। अगर पूछ लिया जाए ट्रांसमिशन ऑफ इबोला वायरस क्या रहेगा, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू ये फैलता है। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या होता है, अपने पास किसी दूसरी चीज के थ्रू, मतलब बीच का कोई इंटरमीडिएट आ जाएगा जैसे पेन, पेंसिल, टॉवल, कुछ भी जो हम यूज करते हैं दूसरे का, तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आ जाएगा वो। ठीक है, और इस केस में क्या रहेगा, पैथोजन इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट की हरास कंडीशन जो उसमें वो सर्वाइव करेगा अच्छे से। एग्जाम्पल रहेगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा याद रखना है, इन्फ्लुएंजा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। जैसे मान लेते किसी को इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है, उसके द्वारा यूज की गई चीज को अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमको इन्फ्लुएंजा होने के चांस है, ये बोलेगा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, ड्रोपलेट्स के थ्रू भी डिजीज फैलती है, जैसे इबोला वायरस यहाँ पे भी था डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तो इबोला ड्रोपलेट्स के थ्रू भी फैलता है। ठीक है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस भी ड्रोपलेट के थ्रू फैलता है। एयरबोर्न डिजीज हवा के थ्रू जो फैले, इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरक्लोसिस, याद रखने में दोनों, इन्फ्लुएंजा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी और एयरबोर्न में भी। एयरबोर्न में एग्जाम्पल हमेशा याद रखना ट्यूबरक्लोसिस का, मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है, और फिकल ओरल रूट में जो पूछा जाता है कोलेरा। ठीक है, कोलेरा और सिगेला, ठीक है दोनों याद रखने, कोलेरा और सिगेला फिको ओरल रूट या फिर कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू जो फैलता है, कोलेरा और सिगेला। ठीक है,
नेक्स्ट, अगर पूछ लिया जाए नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है ह्यूमन के केस में वो कितना रहेगा, तो आप सभी को पता है 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन अगर कैल्विन में पूछ लिया जाए तो अपने पास आंसर रहेगा 98.6 कैल्विन जो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना या सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो उसका ये फॉर्मूला रहेगा, फारेनहाइट इज इक्वल टू जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.9/5 से और उसके अंदर ऐड कर देंगे 32 को। ठीक है, जैसे अगर 30 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, तो फारेनहाइट में रिजल्ट निकलेगा, सेल्सियस कितना दे रखा 30, तो 30 × 9/5 + 32, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 54 + 32 = 86। ठीक है, तो 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 86 केल्विन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। उसके बाद एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, फिर होता है बॉइलिंग, फिर होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड के अंदर जाना, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि लिक्विड स्टेट से गैस के अंदर जाना, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि लिक्विड से सॉलिड के अंदर जाना, लिक्विड से सॉलिड के अंदर जाना। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इंटरनल इंटरनल यानी कि जो अपने पास कोई भी बर्तन की जिसकी हम बात करें, जिसके अंदर हम अपना सब्सटेंस ले रखा है, जिसके अंदर बॉईल करें, तो इंटरनल प्रेशर जो है वो इन्वायरमेंटल प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इंटरनल प्रेशर और एटमोस्फेयर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाती हैं। वाटर के केस में अगर मैं बात करूं, वाटर के केस में तो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा 0.0 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम डेंसिटी जो रहेगी वाटर की, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है कि कितने डिग्री पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास एसआई यूनिट से, एसआई यूनिट जैसे टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, तो कई बच्चों को होता है कि सेल्सियस नहीं, सेल्सियस नहीं कैलविन होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर की रहेगी कैलविन, डिस्टेंस की रहेगी मीटर, इलेक्ट्रिक करंट की रहेगी एम्पियर, ठीक है, टाइम की रहेगी सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की रहेगी मोल, मास की रहेगी किलोग्राम और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रहेगी कैंडेला। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट है, कई बार क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है टेम्परेचर की कैलविन, मास की किलोग्राम, डिस्टेंस की मीटर, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टाइम की सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रहेगी कंडेला, कंडेला। ठीक है, लाइट ऑफ लाइट की इंटेंसिटी की रहेगी कंडेला। उसके बाद प्रोटीन पार्ट जो रहेगा किसी कॉम्प्लेक्स एंजाइम का, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपो एंजाइम, को एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट जो रहेगा वो होता है एपो एंजाइम, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट के हैं। ये देखो, सबसे पहले एंजाइम क्या होती है, तो इन जनरल एंजाइम हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है। सबसे पहले एंजाइम वर्ड किसने यूज किया था, फ्रेडरिक कुहने ने यूज किया था, जिसका मतलब होता है इन यीस्ट, यानी कि इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो यीस्ट में हुई थी। उसके बाद कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होती है जिसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर हम पढ़ते हैं एक सबस्ट्रेट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करे, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करे उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। और जो नया प्रोडक्ट, जो अपने पास नया सब्सटेंस बनेगा एक्शन ऑफ एंजाइम के बाद सबस्ट्रेट से जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिसके ऊपर एक्ट किया सबस्ट्रेट, जो बनेगा वो प्रोडक्ट। जो एंजाइम होते हैं वो हीट लेबाइल होते हैं, यानी कि टेम्परेचर का इनके ऊपर असर पड़ता है। एक एक्सेप्शन होता है, मैंने बताया इन जनरल ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एक क्या हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं। तो एक्सेप्शन जो रहेगा वो रहेगा राइबोजाइम, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन नेचर के नहीं है, एक्चुअल में आरएनए है, उनको क्या बोला जाता है, राइबोजाइम बोला जाता है। तो राइबोजाइम इज आरएनए विद कैटालिक एक्टिविटी, तो अगर पूछ लिया जाए आरएनए विद कैटालिक एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, तो राइबोजाइम बोलेंगे। और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी विद कैटालिटिक एक्टिविटी है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एबजाइम। क्या बोलेंगे, एबजाइम। राइबोजाइम के एग्जांपल राइबोन्यूक्लिएज पी,
पेप्टिडाइल ट्रांसपीरेज और आरएनएज एच, याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं इतना जरूर याद रखना है कि प्रोटीन के अलावा आरएनए भी एंजाइम का काम कर सकते हैं, उनको नाम दिया जाता है राइबोजाइम का। एंजाइम जो उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला रहेगा सिंपल एंजाइम जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम जिसके अंदर दो पार्ट रहेंगे, पहला रहेगा प्रोटीन पार्ट, दूसरा रहेगा नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट जो रहेगा उसको बोला जाएगा एपो एंजाइम, क्या बोला जाएगा, एपो एंजाइम। कंप्लीट यूनिट जो रहेगी, फंक्शनल यूनिट जो रहेगी एंजाइम की, उसको बोलेंगे होलो एंजाइम, क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम किससे बना होगा, एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर या कोएंजाइम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। ठीक है, अब कोएंजाइम यहां पे लिखा तो कोएंजाइम की जगह ये भी हो सकते हैं भाई, कोफैक्टर भी हो सकता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट इज इक्वल टू होलो एंजाइम, दैट इज फंक्शनल यूनिट। ठीक है, फंक्शनल यूनिट। उसके बाद आइसो एंजाइम क्या होते हैं, आइसो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिसकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट रहे, स्ट्रक्चर तो क्या रहे, डिफरेंट, बट एक्शन या फंक्शन वो क्या रहे, सेम रहे, क्या रहे, सेम रहे, यानी कि काम सेम करेंगे लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे हमको पढ़ना है क्रिएटिन काइनेज सीके जो है उसके आइसोजाइम कौन कौन से हैं, तो तीन आइसोजाइम है इसके। सबसे पहला क्वेश्चन, सीके के कितने आइसोजाइम है, तीन, वो बने किसके होते हैं, दो सब यूनिट के बने होते हैं, तो सब यूनिट कितनी होती, दो। पहला क्वेश्चन कितने आइसोजाइम है सीके के, तो तीन, कितनी सब यूनिट से बने होते, तो दो से। दो सब यूनिट कौन सी है, एक रहेगी एम और दूसरी रहेगी बी। ठीक है, एम से याद रखना मसल्स और बी से याद रखना ब्रेन। ठीक है, तो नाम जो दिए गए हैं वो दिए गए सीके वन, सीके टू, सीके थ्री। ठीक है, अब दो यूनिट है, जो सबसे पहला जो है सीके वन, उसके अंदर दोनों यूनिट कौन सी मिलेगी, बी टाइप की, तो बी बी बनेगा, और बी बी बनेगा पाया किस में जाएगा, ब्रेन में, तो दोनों बी है तो ब्रेन के अंदर पाया जाएगा, सीके वन कहलाएगा। उसके बाद हो सकता है एक एम हो और एक बी हो, तो किस में पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा, नाम दिया जाएगा सीके टू का। उसके बाद हो सकता है दोनों सब यूनिट एम टाइप की हो, तो एम एम जो कि कहां पर पाया जाएगा, स्केलेटल मसल में पाया जाएगा, और सीके थ्री का लाएगा। ठीक है, तो सीके वन, सीके टू, सीके थ्री, पहले में रहेंगे दोनों बी, फिर एक बी एक एम और दोनों एम लास्ट में। ठीक है, ब्रेन में दोनों बी वाला मिलेगा, हार्ट में एम बी वाला मिलेगा, और एम एम वाला मिलेगा स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना सी के एम बी किसके लिए करते हैं, हार्ट के लिए मार्कर है। ठीक है, सी के एम बी, तो सी के टू होता है एक्चुअल में, सी के एम बी इज सी के टू, अगर पूछ लिया जाए सी के एम बी क्या होता है, सी के टू होता है। उसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के आइसो एंजाइम कितने होते हैं, तो पांच होते हैं, कितने होते हैं, पांच होते हैं। कितने सब यूनिट इसके अंदर होते हैं, तो ये टेट्रामर होता है, चार सब यूनिट अपने पास टेट्रामर होता है, सॉरी टेट्रामर डिफरेंट चीज है, और जो अपने पास सब यूनिट के टाइप है वो अलग चीज है। टेट्रामर मतलब कि कितने यूनिट पाई जाएगी, और सब यूनिट कितने टाइप की पाई जाएगी। ठीक है, तो यूनिट मिलेगी चार, यूनिट मिलेगी चार, लेकिन कितने टाइप की मिलेगी, वो दो टाइप की मिलेगी। ठीक है, तो टेट्रामर का मतलब इसके अंदर चार सब यूनिट मिलेगी, कितनी सब यूनिट मिलेगी, चार। टाइप की कितने होगी, दो टाइप की, कौन कौन से दो टाइप की, एक एच और एक एम। अब देखो चार सब यूनिट है, इसके पेयर हमको खुद को बनाने। ठीक है, हो सकता है चार की चार एच हो सकता है एच तीन हो लेकिन एम एक हो सकता है दो एच हो दो एम हो सकता है एच एक ही हो और एम तीन हो, और हो सकता है एच हो ही ना एम चार हो। तो एक दो तीन चार पांच, पांच कॉम्बिनेशन इनके पॉसिबल है, तो इनको नाम दिया गया है एच फोर से लेकर एम फोर तक, एल डी एच वन। ठीक है, वन से लेकर फाइव तक आपको इनको नाम दे देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया, अगर पूछ लिया जाए H2M2 क्या है, तो आप यहां से बता सकते हो LDH3 होता है। ठीक है, अब इनकी टिश्यू लोकलाइजेशन आपको याद करनी है, सबसे पहला LDH1 हार्ट मसल में, LDH2 RBC में, RBC में कौन सा है LDH2, ब्रेन में कौन सा है LDH3, लीवर और स्केलेटल मसल में कौन से हैं LDH4 और LDH5। लेकिन अगर पूछ लिया जाए दोनों ऑप्शन में से LDH4 और 5 में से लीवर में कौन सा ज्यादा है, तो LDH5 predominates in liver। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है a sixth atypical LDH
फाउंड इन मेल जेनाइटल टिश्यू, मेल जेनाइटल टिश्यू में एक सिक्स्थ एलडीएच भी पाया जाता है, ठीक है। लीवर में प्रेडोमिनेट कौन सा मिलेगा अपने पास, एलडीएच, ठीक है। ऐसे पूछेंगे एलडीएच प्रेडोमिनेट किस में, स्केलेटल मसल में या लीवर में, तो लीवर में प्रेडोमिनेट रहेगा, ठीक है, मेनली रहेगा। उसके बाद कार्डिक मार्कर कौन कौन से हो सकते हैं, क्रिएटिन काइनेज हो सकता है, देखो सीकेएमबी आ गया ना, तो सीकेएमबी कौन सा था, सीके टू था। कार्डिक ट्रोपोनिन आई हो सकता है, कार्डिक ट्रोपोनिन डी हो सकता है। ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हो सकता है, बीएनपी, ठीक है। मार्कर ऑफ कार्डिक फेलियर, नॉट ए मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, याद रखना भाई, ये कार्डियल कार्डिक फेलियर के लिए मार्कर है लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए नहीं है। मायोग्लोबिन भी जो है कार्डिक बायोमार्कर की तरह काम करता है। एलडीएच जो है आजकल हम यूज नहीं करते लेकिन मार्कर है। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एएसटी, ये भी क्या रहेगा अपने पास, कार्डियक मार्कर रहेगा लेकिन आजकल इनको यूज हम नहीं करते। उसके बाद क्या बताया गया, देखो नॉर्मली एलडीएच टू इज प्रेजेंट इन हायर कंसेंट्रेशन देन एलडीएच वन बट दिस पैटर्न इज रिवर्स्ड इन एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एलडीएच वन एलडीएच टू ज्यादा पाया जाता है नॉर्मली एलडीएच वन से, इन जनरल एलडीएच टू जो है एलडीएच वन से ज्यादा पाया जाता है, लेकिन लेकिन अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एलडीएच वन जो है वो ज्यादा हो जाएगा एलडीएच टू से, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो डिमेंशिया कोज करते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा विटामिन डिमेंशिया कोज नहीं करता, तो जो करता है वो याद रखेंगे, जो फोर्थ जो ऑप्शन में मिलेगा वही कोज नहीं करेगा। सबसे पहले थायामीन नियासिन और कोबालामीन, थायामीन नियासिन और कोबालामीन, थायामीन होता अपने पास B1, नियासिन होता B3, कोबालामीन होता B12, ठीक है, जिसके अंदर कोबाल्ट पाई जाती है। उसके बाद सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो बायोटिन और थायामीन, बायोटिन होता है B7 और थायामीन होता है B1। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी हम पढ़ते हैं, वो भी याद रखने हैं, ठीक है, सिस्टीन और मिथियोनिन, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन ई, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट की तरह तीनों काम करेंगे, कई बार हम पढ़ते हैं विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और वही याद रखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी देखो तीनों काम करते हैं, बीटा कैरोटीन भी, विटामिन सी भी और विटामिन ई भी, तो अगर मिल जाए ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो तो तीनों रहेंगे, ठीक है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ये प्रो ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करती है। ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स में है और जो टॉक्सिसिटी कोज करते हैं, नियासिन और पायरीडोक्सिन, नियासिन और पायरीडोक्सिन दोनों क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं। रिडॉक्स विटामिन कौन से हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करते हैं, नियासिन और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है B2, नाम पूछा जा सकता है, राइबोफ्लेविन को क्या नाम दिया जाता है, विटामिन B2 का नाम दिया जाता है। एंडोजीनियसली सिंथेसाइज जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, B3, B7, विटामिन डी, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन के, पेंटोथेनिक एसिड होता है B5 और ये पायरीडोक्सिन जो ये रहेगा B6, ठीक है। उसके बाद ब्लड क्लोटिंग में कौन सा हेल्प करता है, विटामिन के। नेक्स्ट, किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, ये चारों जो है अपने पास ये फैट सोल्यूबल है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है आपके सामने, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सोल्यूबल में दो रहेंगे, वाटर सोल्यूबल जो रहेंगे वो दो रहेंगे, कौन कौन से, बी और सी, ठीक है। अब विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, जीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस और बाइटोट्स स्पॉट, याद रखना भाई क्वेश्चन पूछा गया है बाइटोट्स स्पॉट किस विटामिन की डिफिशियंसी से होते हैं, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होते हैं। विटामिन डी जो है उसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होते हैं। विटामिन ई की डिफिशियंसी से रेटिनोपैथी और स्केलेटल मसल एट्रोफी देखने को मिलती है। एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन किसको बोला जाता है, ये भी याद रखना है, विटामिन ई को बोला जाता है, विटामिन ई को बोला जाता है। उसके बाद विटामिन के की अगर डिफिशियंसी तो उसमें पीटी बढ़ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो हो बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, क्यों, क्योंकि विटामिन के इज इन्वॉल्व इन क्लोटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड।
नेक्स्ट थायमिन जो है, थायमिन उसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी नामक डिजीज होती है जो कि मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है। बेरी बेरी क्या है? पेरिफेरल नर्व डैमेज की एक कंडीशन होती है, ठीक है। थायमिन की डिफिशियंसी से एक और डिजीज आपको याद रखनी है, दैट इज वर्निके कोर्सकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। वर्निके कोर्सकॉफ सिंड्रोम जो है वो भी किसकी डिफिशियंसी होता है? थायमिन की डिफिशियंसी से होता है। नियासिन को प्लेगरा प्रिवेंटिव विटामिन बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखना है प्लेगरा प्रिवेंटिव विटामिन कौन सा रहेगा? तो नियासिन, नियासिन या फिर विटामिन बी थ्री, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद विटामिन बी सिक्स माइक्रोसिटिक अनिमिया कॉज कर सकता है। विटामिन बी सिक्स की डिफिशियंसी से माइक्रोसिटिक अनिमिया होगा। पोलेट की डिफिशियंसी से मिगैलोब्लास्टिक अनिमिया होगा, ठीक है। और विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से पर्नीशियस एनीमिया, मतलब कि मिगैलोब्लास्टिक अनिमिया विद डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा। तो अगर पूछे जाए अनिमिया, अनिमिया जो है वो किस किस विटामिन की कमी से हो सकता है, तो बी सिक्स, बी नाइन और बी ट्वेल्व, ये तीनों याद रखने हैं, 6, 9 और 12, ठीक है। उसके बाद बी सिक्स जो रहेगा अपने पास, बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, बी फाइव की वजह से होता है, इसकी डिफिशियंसी से बर्निंग फूट सिंड्रोम, ये भी याद रखना है। बर्निंग फूट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी फाइव, दैट इज पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। ये था विटामिन बी की डिफिशियंसी से होने वाले डिसऑर्डर, ठीक है। स्कर्वी अब पूछते हैं, स्कर्वी, स्कर्वी डिजीज किसकी डिफिशियंसी से होता है? स्कर्वी डिजीज जो है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, जो कि एस्कोर्बिक एसिड कहलाता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो येलो डस्टबिन जो रहेगा, येलो के अंदर हम क्या डिस्कार्ड करते हैं? तो ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट अगर है, एनाटॉमिकल वेस्ट है, तो वो येलो में जाएगा। उसके बाद सोइल वेस्ट, जैसे कॉटन है, यानी कि कोई भी बॉडी फ्लूड जिसके साथ लगा हुआ है उसको, चाहे वो कॉटन हो, कपड़ा हो, उसको हम कहाँ डालेंगे? येलो डस्टबिन में ही डालते हैं। तो एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, सोइल वेस्ट हो गया, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सपायर्ड मेडिसिन भी इसमें जाएगी, केमिकल वेस्ट भी यहां पर जाएंगे, ठीक है, और बॉडी फ्लूड अभी हमने पढ़ा, वो भी येलो में जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है येलो में क्या क्या जाएगा, एनाटॉमिकल वेस्ट, कॉटन और केमिकल वेस्ट और एक्सपायर्ड मेडिसिन। दूसरा है रेड डस्टबिन, रेड डस्टबिन जो है उसके अंदर क्या जाएगा? कंटेमिनेटेड वेस्ट जो कि रिसाइकलेबल है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसाइकलेबल बायो मेडिकल वेस्ट को हम कहां पर डिस्कार्ड करेंगे? कंटेमिनेटेड रिसाइकलेबल मटेरियल को कहां डिस्कार्ड करेंगे? तो रेड में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं, यानी कि प्लास्टिक की जो भी अपने पास स्ट्रक्चर या कोई भी बोतल वगैरह होगी, टिप्स होंगी, वैक्यूटेनर होंगे, तो उनको कहां डिस्कार्ड करेंगे? हम रेड में डिस्कार्ड करेंगे, बिकॉज दे आर रिसाइकलेबल, ठीक है। उसके बाद व्हाइट और ब्लू, इन दोनों में क्या जाएंगे? शार्प जाएंगे, लेकिन शार्प अगर मेटालिक है, मेटालिक शार्प अगर है, जैसे नीडल है, तो कहां पे जाएगी? ट्रांसपेरेंट में जाएगी या व्हाइट में जाएगी। उसके बाद ब्लू वाला जो है, डार्क ब्लू होता है ये, उसके अंदर कौन सी जाएंगे अपने पास? ग्लास शार्प जाएंगे, ग्लास, ठीक है, ग्लासेस जो रहेंगे। तो सिंपल सिंपल भाषा में आपको क्या ध्यान देना है, कोई भी शार्प अगर है, अगर वो मेटल का बना है तो व्हाइट में, यानी कि ट्रांसप्लांट में, ट्रांसपेरेंट में जाएगा, और अगर वो ग्लासवेयर है तो जाएगा अपने पास किस में? ब्लू वाले में, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, ब्रोकन ग्लास के साथ साथ क्या दिया गया? साइटोटॉक्सिक वेस्ट, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, ठीक है, मेटालिक बॉडी प्लांट जो है भाई, ये यहाँ पे आ जाएंगे ब्लू के अंदर, ठीक है। लेकिन ब्लेड, नीडल, सीरिंज के साथ जो नीडल लगी, वो सारे कहाँ पे जाएंगे? व्हाइट में जाएंगे, ठीक है। बस यही याद रखना है, चार ही मेन है। उसके बाद जनरल वेस्ट जो रहेगा, जनरल वेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हो सकता हो बायोडिग्रेडेबल हो सकता हो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल है तो ग्रीन के अंदर जाएगा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो अगर ऑप्शन में ब्लैक दिखे तो ब्लैक लगाना है, ब्लैक ना दिखे तो लाइट ब्लू भी आजकल हम यूज करते हैं, ठीक है, लाइट ब्लू।
लाइट ब्लू डस्टबिन जो है जनरल वेस्ट के लिए हम यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास बायोसेफ्टी लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3, 4 जितना ज्यादा भयानक पैथोजन रहेगा उसके लिए उतना ही ज्यादा लेवल का बायोसेफ्टी लेवल हम यूज करते हैं। जितना कम डिजीज स्प्रेडिंग पावर वाला ऑर्गेनिज्म लेंगे उसके लिए उतना ही कम बायोसेफ्टी लेवल रखेंगे। जैसे रिस्क ग्रुप वन जो है उसमें ई कोलाई है, प्लाज्मिड है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, अगर हम इनके साथ डील करेंगे तो बायोसेफ्टी लेवल 1 का यूज करेंगे। बायोसेफ्टी लेवल का मतलब है बायोसेफ्टी लेवल कैबिनेट जो रहेंगे अपने पास, बायोसेफ्टी कैबिनेट यानी कि ऐसे कैबिनेट जो हमारी सेफ्टी करें, हमको बचाने का काम करें डिजीज से, बायोसेफ्टी कैबिनेट। ठीक है, तो लेवल 1 में हम जो है रिस्क ग्रुप 1 के ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ई कोलाई के साथ, प्लाज्मिड के साथ और ट्रांसजेनिक प्लांट के साथ। उसके बाद लेवल बढ़ेगा 2, यानी कि इससे थोड़ा एडवांस रहेगा, जिसके अंदर हम ह्यूमन सेल को क्या करते हैं, ह्यूमन सेल का जो भी काम रहेगा वो बायोसेफ्टी लेवल 2 के अंदर करेंगे। पेशेंट स्पेसिमेन जो है हर्पीज वायरस जो, उनको लेवल 2 में ही हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। उसके बाद एचआईवी और ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा बायोसेफ्टी लेवल यूज किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस का और एचआईवी का याद रखना है बायोसेफ्टी लेवल 3, और बायोसेफ्टी लेवल 4 भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए यूज किया जाता है, इबोला और लेसा फीवर, याद रखना भाई, इबोला और लेसा फीवर आपको याद रखना है। मैक्सिमम कंटेनमेंट जो रहेगा वो इसमें रहेगा। ठीक है, सबसे डेंजर ग्रुप जो रहेगा अपने पास, डेंजरस, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेंजरस पैथोजन को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोसिस करना है, कोई भी काम उससे करना है तो कहां पर करेंगे, बायोसेफ्टी लेवल 4 में करेंगे। और ये डेंजरस पैथोजन के एग्जाम्पल इबोला और लेसा फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है बॉडी फ्लूड के पीएच, तो ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है कि किस फ्लूड का पीएच कितना रहेगा। ठीक है, ब्लड का लगभग सभी को पता है, ब्लड का जो है ब्लड प्लाज्मा पूछ ले या होल ब्लड पूछ ले तो उसका रहेगा 7.35 से लेकर 7.45, लेकिन एवरेज अगर पूछा गया तो वो रहेगा 7.4, दैट इज स्लाइटली एसिड, स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, अब देखो ये सारे सारे एक साथ याद रखने आपको, यहां से लेकर सीएसएफ से लेकर के ह्यूमन मिल्क, इन सभी का पीएच जो रहेगा, पीएच रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी अपने पास 7.2 से लेकर 7.4। तो 7.2 से लेकर 7.4 तक क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास हिट सी, क्या रहेगा, हिट सी, एच से रहेगा ह्यूमन मिल्क। ठीक है, हिट सी कर लो या फिर इसको मिट सी कर लो, मिल्क, इंटरस्टीशियल फ्लूड और टीयर्स, आंसू और सीएसएफ। ठीक है, तो सीएसएफ का तो पूछा भी गया था, अभी एचएसएससी ने पूछा था एक एग्जाम में, सीएसएफ का पीएच कितना था, 7.2 से 7.4 तक होता है। ठीक है, तो एक कॉमन रेंज 7.2 से 7.4 कई सारी चीजों की है, कई सारे फ्लूड की है, जैसे ह्यूमन मिल्क है, इंटरस्टीशियल फ्लूड है, और टी से टीयर्स है, और सी से सीएसएफ है। ठीक है, खत्म। उसके बाद सलाइवा का पीएच जो रहेगा वो न्यूट्रल से लेकर स्लाइटली एसिडिक रहेगा, 6.4 से लेकर 7.0 तक रहेगा। सलाइवरी अमाइलेज के लिए पूछा जाता है कई बार, सलाइवरी अमाइलेज किस पीएच पर एक्ट करता, तो 6.8 इज ऑप्टिमम पीएच फॉर सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूड जो रहेगा उसका भी इसी रेंज में रहेगा, लगभग 6.5 से 3 तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा गैस्ट्रिक जूस का, 1.5 से लेकर 3 तक, लेकिन यहां पर पूछा जाता है पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच, तो रहेगा 1.8। ठीक है, पेनक्रेटिक जूस का रहेगा एल्केलाइन, पेनक्रेटिक जूस क्या करेगा, एल्केलाइन नेचर का होता है, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक कंटेंट को जब वो नीचे फ्लो करता है, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यूरिन का पूछ लिया जाए तो 5 से लेकर 7.5, लेकिन एवरेज अगर पूछा जाए तो वो रहेगा 6। तो ये पीएच आपके सामने, यूरिन का एवरेज पीएच 6, ब्लड का एवरेज पीएच 7.4, सीएसएफ का 7.2 से लेकर 7.4, सलाइवरी माइलेज के लिए ऑप्टिमल पीएच 6.8, पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच 1.8। उसके बाद जो यूरिन आउटपुट रहेगी,
यूरिन आउटपुट के बेस पे हम कई टर्म यूज करते हैं, जैसे इन जनरल अगर पूछा जाए एक पर्सन जो है, एक ह्यूमन अडल्ट जो है, नॉर्मली कितना यूरिन एक दिन में पास करता है, 24 घंटे में जो पास करता है, वो एवरेज जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 1200 ml। रेंज पूछ ली जाए तो 700 से लेकर 2500 ml, ठीक है, 700 ml से लेकर के 2500 ml तक हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक दिन में यूरिन पास आउट करते हैं। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए, गड़बड़ी कैसे, नॉर्मली क्या होता है, रात के टाइम पे यूरिन कम आता है और दिन में ज्यादा आता है, ठीक है। लेकिन रात के टाइम अगर 500 ml से ज्यादा देखने को मिले, ड्यूरिंग नाइट अगर मोर देन 500 ml देखने को मिले, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, नॉक्टूरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉक्टूरिया। दूसरा, अगर पूरे के पूरे 24 घंटे में एक्सेस यूरिन देखने को मिले, अभी हमने पढ़ा 700 से 2500 तक नॉर्मल करते हैं, लेकिन 2500 ml से ज्यादा अगर हो तो उसको बोला जाता है पोलीयूरिया। लेकिन अगर 500 से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे ओलिगयूरिया। और 150 ml से भी कम हो जाए पूरे एक दिन में, सिर्फ और सिर्फ 150 ml यूरिन भी अगर कोई पास आउट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एनूरिया। तो ये सारी कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, किस वॉल्यूम से किस वॉल्यूम तक हम किस टर्म का यूज करेंगे। तो ये सारी की सारी टर्म याद होनी चाहिए। नॉर्मल करेंगे 700 से 2500, नॉक्टूरिया में क्या होगा, रात को 500 ml से ज्यादा आएगा, पोलीयूरिया में 24 घंटे में 2500 ml यानी कि 2.5 लीटर से ज्यादा आएगा, ओलिगयूरिया में 500 ml से कम जाएगा, और एनूरिया में तो 150 ml से भी कम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम को डिनोट करते हैं के से। इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है, वो रहेगी 3.4 से लेकर 5.0 तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अगर हमारा जो सैंपल है, अगर हमारा ब्लड सैंपल है वो क्या हो जाए, हीमोलाइज, अगर हीमोलाइज हो गया तो उससे किस किस पैरामीटर के अंदर चेंज देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सारे के सारे पैरामीटर जो कि आरबीसी के अंदर होते हैं, आरबीसी के अंदर जो होते हैं वो सारे के सारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो पोटेशियम क्या है, एक मेनली इंट्रासेलुलर कटायन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रासेलुलर कटायन जो रहेगा मेनली वो कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा भाई, हमेशा याद रखना है, हीमोलिसिस हो गई आरबीसी की तो उससे हम सीरम पोटेशियम टेस्ट जो है, एस्टिमेशन जो हो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस केस में सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो तीन क्वेश्चन याद रखने हैं, पहला नॉर्मल रेंज, दूसरा इंट्रासेलुलर कटायन कौन सा है, पोटेशियम है, तीसरा सीरम पोटेशियम का जो अमाउंट है, जो लेवल है वो बढ़ जाएगा अगर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग हीमोलाइज्ड सैंपल। उसके बाद आएगा प्लाज्मा क्लोराइड, प्लाज्मा क्लोराइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन रहेगी 95 से लेकर 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी कंसंट्रेशन सीएसएफ के अंदर ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। दिस ये जो अपने पास सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसके अंदर क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती, कितनी ज्यादा, 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होती है। ऐसा क्यों होता है कि वहां पर ज्यादा होती, क्योंकि सीएसएफ के अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो कम होता है। अब क्या हो गया, कम है तो ज्यादा क्यों होना था, तो ज्यादा इसलिए होना था क्योंकि सीएसएफ के अंदर ये मेंटेन करेगा डोनन मेम्ब्रेन इक्विबिलियम को। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहला नॉर्मल रेंज, दूसरा किस फ्लूड के अंदर उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन है, तीसरा सीएसएफ के अंदर ये किस मैकेनिज्म को या किस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा पाया जाता है। तो डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट यहां से याद रखने हैं। उसके बाद प्लाज्मा सोडियम, प्लाज्मा सोडियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन 135 से 145 रहेगी। एक्स्ट्रा सेलुलर कटायन अगर पूछ लिया जाए प्रेडोमिनेट वो सोडियम रहेगा। इसको इसका सिक्रीशन जो अपने पास है, इसका लेवल जो कौन मेंटेन करेगा, मिनरेलो कोर्टिकोइड जो है वो मेंटेन करेंगे जो कि एड्रेनल कोर्टेक्स रिलीज करते हैं। तो मिनरलो कोर्टिकोइड कौन रिलीज करेगा, एड्रेनल कोर्टेक्स करेगा। सोडियम की लेवल नॉर्मल जो रहेगा 135 से 145 तक रहेगा, ठीक है। तो तीन अभी हमने पढ़े, जो सबसे पहले पोटेशियम पढ़ा, फिर क्लोरीन और फिर सोडियम। तो सबसे पहला जो था पोटेशियम, उसकी रेंज थोड़ी सी थी 3.5 से लेकर 5 तक, ठीक है। क्लोरीन जो हमने पढ़ा उसकी थी 95 से लेकर 105 तक, और फिर हमने सोडियम पढ़ा जिसकी इन तीनों में से ज्यादा है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ये तीनों की नॉर्मल रेंज याद कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल्मिटिक एसिड जो है उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनते हैं, तो आंसर है अपना 129 ATP, 129 ATP बनते हैं। अगर 129 ऑप्शन में ना मिले तो आंसर रहेगा 106 ATP। इतना डिफरेंस क्यों है? तो देखो, वैल्यूज इन ब्रैकेट इन रेड कलर रिप्रेजेंट एटीपी सिंथेसाइज्ड एज पर पीओ रेशो ऑफ 2.54 NADPH एंड 1.54 FADH2। तो होता क्या है, जब भी NADH और FADH2 की बात करें तो उससे कई बार हम क्या करते हैं, 2.5 ATP लेते हैं और FADH2 से 1.5 लेते हैं, लेकिन इनके केस में ज्यादा ली गई है, जो कि मतलब ज्यादा लेंगे तो 129 रहेगा और कम लेंगे तो 106 रहेगा। दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। मोस्टली जो अपने पास आंसर मिलेगा वो 129 मिलेगा, ठीक है, 129 आपको याद रखना है। पाल्मिटिक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 129 ATP मिलती है। उसके बाद लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होती हैं? लाइपोप्रोटीन्स ये आपके सामने है, ये मैंने याद रखनी है, और क्या क्या पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं सिर्फ वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। लाइपोप्रोटीन लिपिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चार टाइप की है, काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL और HDL। फुल फॉर्म आपको पता होगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और काइलोमाइक्रोन। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखो सबसे कम डेंसिटी किसकी रहेगी, काइलोमाइक्रोन की, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एपोप्रोटीन जो मिलेगी इनके अंदर, जो अपने पास लाइपोप्रोटीन है उसके अंदर एपोप्रोटीन जो मिलेंगे वो B48 किसके अंदर मिलेगा, काइलोमाइक्रोन के अंदर मिलेगा। कंपोजिशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम लिपिड किसके अंदर देखने को मिलेगी, लाइपोप्रोटीन के अंदर देखने मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन अपने पास क्या था, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम प्रोटीन किस में देखने को मिलेगी, HDL के केस में देखने को मिलेगी। लिपिड कंटेंट की अगर बात करें तो लिपिड कंटेंट सबसे ज्यादा काइलोमाइक्रोन में, लेकिन इसके अंदर भी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल। तो मैक्सिमम कंटेंट ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरोल जो है वो कौन कैरी करता है, किसके पास पाया जाता है, तो काइलोमाइक्रोन के पास पाया जाता है। मैक्सिमम फोस्फोलिपिड का क्वेश्चन पूछा गया था, वो किस में पाया जाएगा, एचडीएल में। मैक्सिमम फोस्फोलिपिड 47% टोटल का, ठीक है। तो बस यही पॉइंट आपको याद रखने हैं यहां से मेनली। और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, गुड होता है अपने पास एचडीएल, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता है एलडीएल। तो सिर्फ ये मेजर 5-7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, काइलोमाइक्रोन की। B48 किसके पास है, काइलोमाइक्रोन के पास। मैक्सिमम लिपिड कंटेंट किसके पास है, काइलोमाइक्रोन के पास। सबसे ज्यादा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल किसके पास है, काइलोमाइक्रोन के पास। उसके बाद नॉर्मल रेंज जो है, रेफरेंस रेंज याद रखनी है आपको, टोटल लिपिड। देखो पूरी टेबल रटनी नहीं, सबसे पहले आपको याद रखना है टोटल लिपिड का, किसका याद रखना है, टोटल लिपिड का, जो कि 400 से लेकर 600 mg/dl रहेगा। उसके बाद आपको याद रखना है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, कितना रहेगा, 150 से 200, और इतना ही रहेगा किसका, फोस्फोलिपिड का। तो दूसरे ये दोनों याद रखने, कौन कौन से, टोटल कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड। तो टोटल लिपिड सबसे पहले याद रखोगे 400 से 600, फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड। टोटल कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, इन दोनों की जो रेंज रहेगी वो सेम रहेगी, 150 से 200, इसकी भी 150 से 200। अब उसके बाद आपको याद रखना है ट्राई ग्लिसरोल TG, ये रहे अपने पास 75 से 150 तक, और सबसे कम फ्री फैटी एसिड मिलते हैं, फ्री फैटी एसिड सबसे कम 5 से 15 तक, ठीक है। टोटल कितना रहेगा, 400 से 600, उसमें से मेनली दो रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, जिनकी दोनों की रेंज 150 से 200 तक है। फिर रहेगा अपने पास TG, जो कि 75 से 150 तक है, और फ्री फैटी एसिड सबसे कम 5 से 15 तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर HDL कितना है, LDL कितना है और VLDL कितना है, तो सबसे ज्यादा LDL है जो कि 80 से 150 तक है, फिर HDL है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है अपने पास वो रहेगा 30 से 60 तक, और VLDL रहेगा 20 से 40 तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि बफर क्या होता है, तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि बना होता है किस किस से, एक तो अपने पास वीक एसिड और उसका खुद का साल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एक वीक एसिड है और उसका
साल्ट बना हो स्ट्रोंग बेस के साथ, या फिर ऐसे बोलते हैं एक रहेगा अपने पास वीक एसिड और उसके साथ रहेगा उसका कॉन्जुगेट बेस, क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बफर किसका बनाता है ये पूछा जा सकता है। दूसरा बफर होते क्या है, कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, ऐसे सब्सटेंस जो कि रजिस्ट करते हैं किसको, चेंज इन पीएच को, उसको क्या नाम देंगे, तो बफर सॉल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछे जा सकती, डेफिनेशन देंगे कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो कि पीएच चेंज होने से रोकता है, बचाता है, तो बफर बोला जाता है उनको। ब्लड के अंदर मेनली तीन बफर सिस्टम होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो कि अपने बाइकार्बोनेट सिस्टम, दूसरा रहेगा फोस्फेट बफर सिस्टम और तीसरा रहेगा प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो भी और प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी, ये दोनों क्या करते हैं बफर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट फोस्फेट बफर और प्रोटीन बफर तीन जो है अपने पास ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन की नॉर्मल रेंज याद रखनी है, टोटल प्रोटीन जो रहेगा सीरम या प्लाज्मा के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो वो रहेगा अपने पास 6.02 8.0 ग्राम पर डीएल, यूनिट याद रखनी है ग्राम पर डीएल रहेगी इसके लिए टोटल प्रोटीन के लिए। उसके बाद एल्बुमिन जो रहेगी, एल्बुमिन इज मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट जो है ये प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर, और एल्बुमिन का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 3.5 to 5.0 ग्राम पर डीएल। ग्लोबुलिन का कितना रहेगा, 2.5 से 3.5 तक, और फिब्रिनोजन का रहेगा 200 से लेकर 400 mg per dL। फिब्रिनोजन का mg per dL में याद रखना क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है। एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मैनेज करना, मेंटेन करना। ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे IG या इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो गामा ग्लोबुलिन होती है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। फिब्रिनोजन का काम होता है अपने पास ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर पूछे जाते हैं, ESR किसमें बड़ा होता है, किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, तो मोस्ट कॉमनली जो याद रखना है ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ जाता है, स्ट्रोक में बढ़ जाता है। ठीक है, अनीमिया के केस में बड़ा हो मिलेगा, लेकिन ऐसा अनीमिया जिसके अंदर ESR कम मिलेगा दैट इज सिकल सेल अनीमिया, इंपॉर्टेंट है याद रखना। मल्टीपल माइलोमा और प्रेगनेंसी, इन केसेस में ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, किस किस में, ट्यूबरक्लोसिस में, शोक में, अनीमिया में, प्रेगनेंसी में और मल्टीपल माइलोमा में। लेकिन डिक्रीज कब मिलेगा, पोलिसाइथीमिया में, स्फीरोसाइटोसिस में और सिकल सेल अनीमिया में, ये आपको याद रखना है। और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी ESR जो है वो कम होता है। उसके बाद बात आती है एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट की। एक एटम जो है, एक एटम सिंगल एटम का जो वेट रहेगा वो एटॉमिक वेट कहलाएगा। मोलिकुलर वेट, एक मोल सब्सटेंस का जो मोलिकुलर वेट रहेगा उसको मोलिकुलर वेट बोला जाएगा, या फिर मोलिक्यूल का वेट जो रहेगा उसको हम मोलिकुलर वेट बोलते हैं। एटम का वेट जो कंपेयर किया जाता है वो किया जाता है कार्बन 12 के साथ, और इसको डिफाइन करते हैं कि एक कार्बन 12 का मास जितना रहेगा उसका 1/12 जो रहेगा वो एक एक एएमयू होता है। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट होती है भाई, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं 1 AMU = 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, नॉर्मल जो कार्बन 12 पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये क्या है, सारे के सारे आइसोटोप हैं, तीनों क्या है आइसोटोप हैं। आइसोटोप में एटॉमिक एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा, उसको बोलेंगे आइसोटोप। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म भी जो है अपने सिलेबस में होती है, तो मोलैरिटी, सबसे पहले मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, तीसरा नॉर्मैलिटी। यहां पर मोलैरिटी जो रहेगी, मोलैरिटी उसको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। कोई भी सोल्यूशन अगर है, सोल्यूशन उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। सोल्यूट जो रहेगा वो कम मात्रा में पाया जाएगा और सोलवेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो सोल्यूट कितने मोल है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, तो उसको बोलेंगे मोलैरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन की वॉल्यूम के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में कितने हैं,
यानी कि पहले हम देख रहे थे कि एक लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल ऑफ सॉल्यूट हैं। तो मोलैरिटी में टोटल सॉल्यूशन लेंगे और मोलैरिटी में लेंगे सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। उसके बाद आता है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी में का फॉर्मूला रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रहेंगे। अब बात आई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहेगा मास जो दे रखा टोटल सॉल्यूशन का, सॉरी टोटल सॉल्यूट का, जैसे मैं बोल दूं 36 ग्राम क्लोरीन है तो ये अपने पास क्या रहेगा, जो मैंने मास दे दिया यानी कि जो वॉल्यूम जो अपने पास जितना अपने पास सॉल्यूट है वो वाला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है ये कैसे निकालते हैं, याद रखना है इक्विवेलेंट मास जो है इट इज इक्वल टू एटॉमिक या फिर एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी या तो जितना चार्ज रहेगा उतनी ही रहेगी या फिर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है वो इसकी वैलेंसी होती है। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, ये कंसंट्रेशन टर्म आपको याद रखनी है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं ये भी याद रखना है। एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर कितनी वैल्यू सब्सटेंस की पाई जाती है, तो 6.023 × 10⁻²³। ठीक है, ये होती है नॉर्मल वैल्यू, एक मोल के अंदर जितना सब्सटेंस पाया जाता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज पूछ ली जाए सीरम एल्बुमिन की, तो देखो यूनिट में क्वेश्चन घुमा रखा है तो आपको याद रखना है ग्राम पर डीएल जो है वो प्रोटीन की नॉर्मल यूनिट रहेगी 3.5 से लेकर 5.0 तक। उसके बाद विच टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन है लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी कितनी है, तो किसकी है, तो ऐसा मत सोचना कि वेरी लो डेंसिटी है तो इसी की होगी, तो हमने पढ़ा था काइलोमाइक्रॉन जो है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये था आज की अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना, जितने भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से एक बार याद कर लेना और कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।